इस क्वेश्चन में कह रहा है संलग्न चित्र में प्रदर्शित संधारित्र में संचित ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो देखो बहुत आसान है, यहां से जैसे करंट चली ना, जो भी करंट जाएगी वो सारी की सारी इधर ही जाएगी, क्योंकि हम हमारे केस में इस संधारित्र का पेट भरा हुआ था, मतलब ये फुल्ली चार्ज होगी, मतलब पूरी तरह से चार्ज स्टोर कर चुकी है, तो इसमें धारा नहीं आती। ठीक, तो ये फुल्ली चार्ज है। अब इसके अक्रॉस, मतलब इसके पास, इसके अक्रॉस जो विभव जो होगी वो विभव वही होगी जो इन तीनों रेजिस्टेंस को मिला के आएगी। ठीक ना, इनके अक्रॉस जो विभव होगी वो इसके अक्रॉस होगी। ठीक ना, क्योंकि ये दोनों समांतर में लगे हुए हैं, तो समांतर में क्या होता है, इस पूरे का विभव बराबर इसका विभव, तो हम इसका विभव निकाल लेते हैं। अब यहां देखो करंट आई कितनी, 2 एम्पियर, और इसमें तो करंट थी नहीं, इसमें करंट कितनी थी, 0। ठीक, तो इसका मतलब 2 की 2 एम्पियर इधर से ही आ रही होगी, और यहां से जो करंट आई होगी वो भी 2 एम्पियर होगी जो कि इधर चली गई है। संधारित्र वाली ब्रांच में इसमें कोई करंट नहीं आती, जहां कहीं भी संधारित्र लगी हो उसमें कोई करंट नहीं है, मतलब कोई करंट आएगी ही नहीं। तो इन सारे रेजिस्टेंस के अक्रॉस इनका पहले तो वो निकाल लो, क्या कहते हैं, श्रेणी में इनका, इनकी तुल्य प्रतिरोध क्या होगी, 2, मतलब तुल्य प्रतिरोध आर इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 प्लस 3 प्लस 5, कितना आ गया, 10। ठीक है, मतलब ये ऐसा हो गया, 2 माइक्रो फैरेड, टिक 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 टिक, 10 ओम का प्रतिरोध, और इसमें करंट 2 एम्पियर की, तो इसके अक्रॉस ये जो हमारा प्रतिरोध है इसके अक्रॉस अक्रॉस विभवांतर कितना होगा, तो इसके अक्रॉस विभवांतर होगा V इक्वल टू IR। ठीक ना, IR मतलब 2 × 10, बोले तो 20 वोल्ट, 20 वोल्ट हो गए। अब देखो 20 वोल्ट विभवांतर है, यहां पे कितना है, 20 वोल्ट का विभवांतर है, तो यही विभवांतर तो ये कैपेसिटर के अक्रॉस भी होगी ना, क्योंकि समांतर में है, तो अब निकाल लो संचित ऊर्जा। संचित ऊर्जा के लिए फॉर्मूला क्या कर देंगे, U बराबर हाफ सी वी स्क्वायर, तो U बराबर हाफ इंटू कितना है, 2 × 10 की पावर -6 इंटू V कितना है, 20, 20 का स्क्वायर, तो 2 से 2 काट देते हैं, 10 की पावर -6 × 20 का स्क्वायर 400, तो कितना आ गया, 4 × 10 की पावर -4, 2 0 काट दिया ना इसमें, तो उसमें संचित ऊर्जा 4 × 10 की पावर -4 जूल। ठीक है, ये क्लियर ना, कैपेसिटर का जब पेट भर जाता है तो वो उसके पास जो करंट होती है वो 0 हो जाती है, तो सारी की सारी करंट जो है वो इधर जाएगी प्रतिरोध वाले में। क्लियर,